तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुद्र कुमार और आप देख रहे हैं आरएसटी शॉर्ट्स चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं खान सर के बारे में। आप लोगों ने बहुत सारा खान सर का वीडियो देखा है, लेकिन आज मैं लेकर आया हूँ कुछ यूनिक वीडियो जो कि खान सर का कोचिंग सेंटर का वीडियो। अगर आप लोगों को देखना है तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए आज आप लोगों को मैं खान सर का कोचिंग सेंटर का लाइव वीडियो दिखाता हूँ। आइए सीधा आप लोगों को वीडियो की तरफ ले चलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए बॉय लोग जो एडमिशन का स्थिति, जिन लोगों को लगता है कि पटना में आके पढ़ेंगे, जरा पटना के लड़कों लोग का स्थिति देखिए। यहाँ लड़की सबको भी बेचारी सबको बैठने का जगह नहीं है, और कहता है सर कि सर हम कहीं भी बैठ जाएंगे, क्लास में कहाँ पे जगह बचा हुआ है जो बैठेगा वहाँ पर, आप नीचे जमीन पे जो बैठे हैं वो लोग बैठे रहेंगे। लड़का कहता है कि हम नीचे भी बैठ जाएंगे। अभी ये हॉल नंबर एक की स्थिति है। अब ये देखिए जो कहते हैं नीचे बैठ जाएंगे, ये बेचारे सब नीचे को देखिए, ये जमीन पे जगह कहाँ है? जमीन पे भी जगह रहना चाहिए तब ना। देखिए अभी जमीन, लड़का कहता है कि हम जमीन पे भी बैठ सकते हैं। अब इसलिए बाबू लोग हम लोग को बहुत मजबूरी में कहना पड़ता है। अब कहता है सब कि हम बाहर सीढ़ी पे बैठ के पढ़ जाएंगे। देखो सीढ़ी पे भी जगह रहना चाहिए तब तो, ये ऊंचाई दीवार पे बैठ के पढ़ रहा है। ये देखो ये क्लास के बाहर की स्थिति है। तो इसलिए बाबू लोग अभी आप लोग कोशिश कीजिए ऑनलाइन ही पढ़े। देखिए ध्यान से, पटना में बाबू जमीन पे भी बैठने का स्थिति नहीं रह पाता, लड़की सबको बड़ा एडजस्ट करके बैठना पड़ता है। यहाँ लड़का बैठ जाता तो स्टेज पे तो ये फूल रख दिए कि स्टेज टूट देगा सब। इसलिए बाबू लोग आप लोग जहाँ भी हैं मेहनत से पढ़ाई उड़ाई कीजिए। आप लोग जो जमीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं बाबू, एक दिन याद कीजिएगा जब अधिकारी बन जाइएगा अपने ऑफिस में बैठिएगा तो समझ आ जाएगा। इसलिए बहुत जल्दी माँ बाप के सपना को पूरा कीजिए। किसी भी शिक्षक को शौक नहीं लगा रहता है कि वो इस तरह से अपने बच्चों को जमीन पे यहाँ तक ऐसे बैठा के पढ़ाए यहाँ, लेकिन मजबूरी है। ये हॉल नंबर एक की स्थिति है, हॉल नंबर दो तीन चार पाँच सब भरा हुआ है। बहुत जल्दी हम आप लोग के लिए हॉल नंबर छः भी लेंगे, छः सात अब 15 10 करना पड़ेगा, ठीक है।